रश्मिका मंदाना एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य तौर से साउथ की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। रश्मिका ने बहुत ही कम समय में टॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब एंट्री लेने वाली अभिनेत्री बनी। साल 2018 में रश्मिका ने तेलुगु फिल्म चालो के साथ तेलुगु सिनेमा की दुनिया में अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद उसी साल तेलुगु फिल्म गीता गोविंदम में भी रश्मिका ने अपने एक्टिंग की छाप छोड़ी। इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले फिल्म का इतिहास रचा और इस फिल्म ने रश्मिका को एक बड़ी पहचान भी दिलाई। साउथ सिनेमा में नाम कमाने के बाद रश्मिका ने बॉलीवुड का रुख किया और फिल्म गुड बाय से हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा। इसके बाद वह फिल्म नेटफ्लिक्स फिल्म मिशन मजनू और अब साल 2023 की सबसे बड़ी हिट रही फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के साथ नजर आई। रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कोटागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुआ था। इनकी स्कूलिंग कुर्ग पब्लिक स्कूल से हुई थी। इन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई राम कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से की थी। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने मॉडलिंग भी शुरू करते और कुछ विज्ञापनों में नजर आई। 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी के साथ इन्होंने दक्षिण सिनेमा में कदम रखा और 2018 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म गीता गोविंदन से अपना नाम कमाया। अब रश्मिका दक्षिण सिनेमा में एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। रश्मिका ने बॉलीवुड में साल 2022 में फिल्म गुडबाय से अपना डेब्यू किया था और जिसके बाद साल 2023 में एक्ट्रेस ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म मिशन मजनू में भी अभिनय किया और अब रश्मिका एक्टर रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में दिखाई दी, जिसमें उनके रोल को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। तो यह रहा रश्मिका मंदाना का बायोग्राफी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।